सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। आज हम खेलने वाले हैं वापस इस गेम को। हमारा डे टू स्टार्ट हो गया है और आज हमने देखो क्या क्या कलेक्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें अपडेट करना चाहता हूँ, मेरे पास क्या क्या चीज़ें आ गई है ये सब देख सकते हो। प्लस गोल्ड, डायमंड और गोल्ड की बहुत सारी चीज़ें भी आ गई है। मैंने ऑफलाइन खेल खेल के ये सब कलेक्ट किया, मॉब्स वगैरह नहीं। अब तो मैं दूसरी चेस्ट दिखाता हूँ। इसमें देखो मैंने 3 चीज़ें बनाई है डायमंड गोल्ड की, बहुत महंगी भाई। गोल्ड इतना मुश्किल से तो मिलता है। और ये देखो मेरे पास 9 डायमंड हैं, इससे कुछ हो तो नहीं पाएगा। और 21 जैम भी पड़े हैं, इनसे बहुत चीज़ें होंगी। और मैं विलेजर के घर में रह रहा हूँ अब, मेरे को अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने एक विलेजर का घर चुना और उसको पे डाका डाल दिया। और आज का हमारा पे क्या एम है, आज हमें बनाना है एक नया घर, ठीक है। तो घर बनाते हैं, उसके बाद उसमें लाते सो लोग बाग, क्या कहते हैं, विलेजर्स। हाँ, विलेजर्स लेके आएंगे, विलेजर्स के लिए घर बनाएंगे। और हाँ गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, ये घर बनाने के लिए मैं क्रिएटिव मोड यूज़ करूँगा, बिकॉज मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास नहीं है। फाइनली हमारा घर हो गया है रेडी। यस गाइस, हमने फाइनली घर बना लिया। इसमें बहुत ज़्यादा मत्थाबाजी हुई, पर हाँ गाइस हो गया। पर सारा सामान वगैरह रखते हैं अब, हम अपने विलेजर हाउस से जो भी हमारे पास सामान वगैरह था वो सब सामान लेके आना है और यहाँ पे उसको शिफ्ट करना है। बेड वगैरह लेके आएंगे और विलेजर्स के लिए घर भी बनाना है और उनके लिए भी। तो धीरे धीरे करते हैं स्टार्ट। अब वो भी मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज गाइस मैंने ये ये वीडियो है ना 50 मिनट की थी जो मैंने रिकॉर्ड करी है, और ये मैं अभी 5 मिनट का कुछ सब दिखा दूंगा और फिर आगे की। तो फाइनली हमने सारा सामान ला के इधर रख लिया है और मैंने आपको बता देता हूँ क्या 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 चीज़ है। ये हमारी पहली चेस्ट है जिसमें हमने सारे गोल्ड के आइटम्स रखे हैं, हमारे हेलमेट वेस्ट वगैरह रखे हुए हैं जिसमें हम कभी भी चाहिए तो हम ले सकते हैं। और इसमें रखे हमने इंगोट्स और जो महंगी चीज़ें हैं जैसे हमारे डायमंड जेम, वो भी रख देंगे इसी में। और इंगोट्स, कॉपर इंगोट्स, आयरन इंगोट्स जो मेरे पे हैं। और भी ये जो चेस्ट है इसमें मैंने फालतू का सामान रखे है, बिकॉज जो मुझे पता नहीं है क्या यूज़ में है और पता नहीं आगे जाके क्या यूज़ होगा, तो वो सामान इस चेस्ट में रखे हुए हैं और रख देता हूँ। ये फ्लिंट एंड स्टील वगैरह भी है, ये सब मुझे फालतू ही लगते हैं, पता नहीं क्या यूज़ है इनका। यूज़ बस बताना गाइस कमेंट सेक्शन में, बिकॉज मुझे तो पता नहीं क्या यूज़ है इनका, बकवास चीज़ें ये लग रहा है। और हमने मुझे लग रहा है आज है ना हमें ना एक काम करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल है ना आज हमें बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा मैं भूल गया, आयरन फार्म। हाँ, आयरन फार्म बनाने की सोच रहा था मैं, बिकॉज आयरन बहुत मुश्किल से मिलता है और आयरन फार्म बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ हो ही नहीं पाएगा। इसमें आयरन से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, आयरन से हम लबला कर सकते हैं, हेलमेट वेस्ट यू नो गाइस। और इस चेस्ट में मैंने रखे अपने स्वॉर्ड है, हथियार है, और एक देखो मेरे पास अपग्रेडेबल बो है जिस पर अनब्रेकिंग 1 लगी हुई है, पर इसका कोई यूज़ तो मुझे पता नहीं है और इसकी हेल्थ भी बिल्कुल ख़त्म ही है। इसकी हेल्थ फुल कैसे करें कोई बता सकता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं देख लूँगा और मैं इसकी हेल्थ फुल कर लूँगा, ठीक है। सो फाइनली सुबह हो गई है, आप नई दिन की नई सुबह। और हमने एक चीज़ में आपको अपडेट करना चाहता हूँ, मैंने यार वो फार्म आयरन फार्म बनाया था, अब उसे देखेंगे कि क्या सीन है, उसमें थोड़ा कंप्लीट करना रहता है तो उसे ट्राई करेंगे और चलता है तो देखते हैं। और ये थोड़ा सा सब्जी वगैरह ले लेता हूँ मैं। और ये फार्म कैसा लग रहा है गाइस बता देना ये। और इसमें कोई टिप्स तो यार ये खाने की कि कैसे क्या कर सकता हूँ मैं, टिप्स से कि मतलब कितना खाना मैं उगा सकता हूँ और कि ज़्यादा खाना उगाना पड़ेगा। और ये लेट उगते हैं बहुत, मैंने फार्मर भी है मेरे पास, वो भी लगे रहते हैं पर भाई बहुत कम। अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपना आयरन फार्म, ठीक है। ये सारी सब्जियाँ कलेक्ट कर लूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाऊंगा आयरन फार्म। बहुत लफड़े हुए हैं यार इस आयरन फार्म को बनाने में। लेफ्ट साइड आपको दिख रहा होगा वो मेरा आयरन फार्म है। अभी मैं रुको थोड़ा और सब्जी वगैरह कलेक्ट कर लूँ। ये देखो ये बच्चा, और बच्चे क्या हाल है तेरे, ये बच्चा विलेजर्स का है, फार्मर्स वगैरह का। और फार्मर्स यार मेरे फार्मर्स ही बन रहे हैं, विलेजर्स और कैसे बनते हैं वो भी बता देना गाइस कमेंट सेक्शन में, मुझे तो पता नहीं है कैसे क्या बनेगा। और ये मैंने इस चेस्ट में अपने सारे सामान वगैरह रखे हुए हैं, और क्या बताऊँ आपको मैं, फिर थोड़ा खाना खा लेता हूँ फिर चलते हैं आयरन फार्म पे। सो फाइनली सामने जो दिख रहा है वही है आयरन फार्म।
बहुत मुश्किल से बना पर दिमाग ख़राब हो गया भाई मेरा, ये फार्म चलता ही नहीं, आई डोंट नो वाई, पर हाँ ये फार्म चलता ही नहीं। देखो अभी दिखाता हूँ, चेस्ट खोल के देखता हूँ, कुछ भी नहीं है इस चेस्ट में। अंदर मैंने 5 विलेजर्स डाले हुए हैं, एक ज़ॉम्बी तक डाला हुआ है, पर नहीं यार अभी तक एक वो नहीं हो पाया। और ये पता नहीं क्या ऑब्सीडियन वगैरह बन गया, ये टूटता ही नहीं, ये पता नहीं कैसे टूटेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और भाई इतना मेहनत करके बनाए फार्म वगैरह, इसमें विलेजर्स वगैरह लाए, पर यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसमें आयरन कॉलम स्पॉन ही नहीं होता। जब तक वो स्पॉन नहीं होगा अब तक मैं आयरन कलेक्ट ही नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए आज का टारगेट हमारा ये है कि हम आयरन माइन करेंगे, इसका हम थोड़ा माइनिंग वगैरह करेंगे, तो माइनिंग के लिए निकलेंगे, तो वही है आज का हमारा मेन टारगेट। सो फाइनली हमने तैयारी कर ली है, मैं ये सामान लेके जाऊंगा, पिकैक्स वगैरह ले रखी है मैंने बहुत सारी, और खाना वगैरह ले लेता हूँ, और क्या कहता है, मैंने एक बेड भी ले लिया है लेके जाने को। और इस देखो इस चेस्ट में मेरे बहुत सारे हथियार है, तो मैं थोड़ा हिसाब से लेके जाऊँगा कौन कौन से बढ़िया, पिकैक्स वगैरह लेके जाऊँगा और स्पॉर्ड लेके जाऊँगा जो मेरे काम की होंगी, और टॉर्च लेके जाऊँगा एक स्टैक, ठीक है। तो अपन ये सब चीज़ें लेके जाएंगे फार्मिंग माइनिंग करने, ठीक है। तो अपन चलते हैं माइनिंग के लिए, ओके बाय बाय गाइस, बाय बाय, ध्यान रखना विलेजर्स अपना। और हाँ मैंने माइनिंग स्टार्ट नहीं करी, मुझे यहाँ पे पहले माइन करी थी मैंने थोड़ी बहुत, ये हॉल था तो मैं सोचता हूँ यहीं पे माइन करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम, सीधा नीचे की तरफ माइन करेंगे ब्लॉक्स वगैरह से सीधा, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे माइनिंग। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं भगवान जी का नाम लेके। ओ भाई टॉर्च लेके क्यों माइन कर रहा हूँ मैं, और ब्लॉक्स माइन करने पड़ेंगे यार, कितना दिमाग मत्थाबाजी है। वेट वर्ट, मैं कहीं गिर गया हूँ, अब मैं पता नहीं कहाँ गया हूँ, ये क्या है केव है, अरे यार पहले टॉर्च लगानी पड़ेगी, यहाँ पे बहुत सारे स्पॉन हो रखे होंगे। ओ वेट, आयरन मिल गया, आयरन मिल गया, इतनी खुशी आयरन की पूछो मत भाई, बहुत खुशी होती है इस आयरन की, ये आयरन मिल जाए ना मस्त ज़िंदगी कटती है भाई, बहुत ज़रूरी है ये आयरन, ठीक है। और है क्या आयरन, नहीं यार अब नहीं आयरन, तो अपन क्या करते हैं, अपन तो क्या करें यहाँ पे, और थोड़ा माइन वाइन करते हैं। चलो यहाँ से चलते हैं, किस साइड जाना है, मैं यहाँ बहुत सारी टॉर्च लगा दे भाई, ये मॉब्स वगैरह स्पॉन ना होए बस, बिकॉज बहुत परेशानी हो जाएगी, वरना मॉब्स स्पॉन होते हैं ना बड़ी परेशानी होती है। चलो टॉर्च तो लगा दिया मैंने बहुत सारी, अपन चलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ, मुझे लग रहा है मैं किसी केव में गिर गया हूँ, केव में गिरने का मतलब है मौत का, क्योंकि मेरे से मॉब मरते नहीं, सारे स्केलेटन मेरी ऐसी तैसी कर देते हैं यार गाइस, पूछो मत, बहुत परेशान करते हैं स्केलेटन मैं। ओ भाई साहब आयरन मिल गया, बहुत सारा आयरन चाहिए भाई, बहुत सारा आयरन की ज़रूरत है, पर ये केव में उतर रही है, पहले मैं जाके ना बहुत सारी टॉर्च लगा के आता हूँ, रुक जो भी स्पॉन होगा ना वो पहले ही दिख जाएगा। ये देख मारा किसी ने मुझे लगा, आवाज़ आई आवाज़ आई आवाज़ आई आवाज़ आई भाई, मारा भाई मारा, टॉर्च तो मैंने लगा दी, अब जल्दी जल्दी मैं ये जल्दी जल्दी इसको ले लेता हूँ आयरन को, बिकॉज आयरन इम्पोर्टेंट है यार, बिना आया मेरे पे आयरन तक नहीं है, बताओ आयरन आयरन बताओ। चलो फाइनली हमें अच्छे खासे आयरन तो मिल गए हैं, और ये सब हमें आज बचा के लेके जाना ही है घर, ठीक है। और थोड़ा एम रखेंगे हम, डायमंड मिल जाए भगवान की दया से, पर मिलेगा तो नहीं, बिकॉज डायमंड के लिए हमें बहुत नीचे जाना पड़ेगा, तो अपन पहले थोड़ा सेफ साइड चलेंगे। मैं यहाँ मैं सोच रहा हूँ चेस्ट ला के मैं रख दूँ, ताकि उसमें मैं अपना आयरन वगैरह रख दूँ, और फिर हम अपना आयरन वगैरह रख लेंगे यहाँ पे, तो यही करने वाला हूँ मैं, तो इसको भी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो फाइनली मैंने एक चेस्ट ले ली है, और अब मैंने इसमें अपना थोड़ा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सामान रख देता हूँ जो भी मुझे मिला है, ये कॉपर आयरन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सामान जाए तो बहुत दुख होएगा, तो अपन ये सब सामान इसी में रखेंगे, फिर अपन चलेंगे वापस से माइनिंग करने, बिकॉज़ यहाँ माइनिंग करना बहुत ख़तरा है यार गाइस। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मेरे से ना माइनिंग होती ही नहीं यहाँ पे। ओके वेट व्हाट, हमें थोड़ा बहुत कॉपर तो मिल गया है, ओ आयरन, ये हुई ना बात, यही तो चाहिए यार, बिकॉज आयरन की बहुत ज़रूरत थी गाइस हमें, अब है ना बस थोड़े बहुत डायमंड मिल जाए फिर अपन उनके बंदे बन जाएंगे, गोल्ड तो सोच ही नहीं रहा मैं, आयरन और गो डायमंड बस, मोड़ी चैन मोड़ा पैसा।
चलो ये तो मिल गया आयरन हमें बहुत सारा, अच्छा खासा अमाउंट में मिल गया है। 10 रो आयरन ये भी कलेक्ट कर लेते हैं। कॉपर पता नहीं यार, गाइस मुझे एक चीज़ ज़रूर बताओ यार, ये कॉपर का यूज़ किस लिए करूँ, मेरे पे इतना सारा कॉपर है ना, मतलब मैंने स्टार्टिंग से कॉपर ही कॉपर कलेक्ट किया है, मुझे इतना परेशानी है, दिमाग ख़राब हो जाता है यार, इतना सारा कॉपर रखूँगा मैं, इसी में डाल देता हूँ जो भी मुझे मिला है। अरे आयरन इसमें रख देता हूँ, ये कॉपर भी इसी में रख देते हैं, ये सब तो रख दिया है, अपन चलते हैं अब नीचे की तरफ। बहुत ख़तरनाक सिस्टम होगा यार नीचे, तो थोड़ा ध्यान पूर्वक हमें नीचे रहना है बिकॉज हमारी, देखो ये देखो भाई, थोड़ी सी गलती तो अपन का गेम ख़त्म है यहाँ पे, अगर गिरा तो मरा मैं। थोड़ा सेफ साइड रहेंगे अपन, थोड़ा ध्यान से चलेंगे ठीक है। क्या किया जाए, मैंने थोड़ा देखता हूँ यहाँ कहीं ना, वो यार ये कॉपर ही कॉपर मिले जा रहा है, इतना जितना कॉपर मिलता है ना, अगर इतना अभी तक आयरन मिलता है ना, मैं अमीर होता। वो देखो स्केलेटन साले, ये आयरन है, आयरन है, पर मैं जाऊँगा ना तो मुझे मार देगा। जाऊँ क्या, रिस्क ले लूँगा इस, थोड़ा सा रिस्क ले लूँ रिस्क ले लेता हूँ, चलते अपन नीचे, पहले ना देख लेता हूँ कितना आयरन है। ओ वहाँ होगा, वहाँ स्केलेटन स्पॉन होगा, मैं जल्दी जल्दी टॉर्च लगा देता हूँ जाके। ओ भाई वो आयरन, पर यहाँ पे वो मुझे मारेगा यार, मारा मारा मारा, एक सेकंड रुको मैं लगा देता हूँ ये शीट, लगा देता हूँ, बच जाएंगे अपन इससे। एक और अबे लगना भाई। देखो गाइस मुझे कोई नूब मत कहना बिकॉज मेरे से फाइट नहीं हो पाती है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो भाई, फ़ोन में बहुत मुश्किल है यार इनसे फ़ाइट करना। एक तो साला पका परेशान कर देता है ये, वो भी मेरे पे वो होती है ना तो मैं इसे दूर से ही मार देता, पर मेरे पे वो भी नहीं है बताओ। पर आयरन माइन करना इम्पोर्टेंट है इसलिए मुझे करना पड़ रहा है ये सब, तो सॉरी गाइस। ये पता नहीं क्या है, ये फालतू की चीज़, इसका कोई यूज़ ही नहीं है मेरे पास, इसका करे तो करे क्या। अपन चलेंगे सीधा कोबल स्टोन लगा के ऊपर, बिकॉज रिस्क लेने का ही नहीं है भाई, रिस्क लेंगे तो ख़त्म है हमारा गेम ठीक है। अपन चलेंगे अब ये सब आयरन रखेंगे ऊपर बिकॉज सेफ साइड रहेंगे अपन। और यहाँ भाई साहब ये क्या है, हम कहाँ आ गए, मुझे तो यही नहीं पता। वाह भाई वाह, अच्छा खासा आयरन तो हमने रख लिया है, कॉपर भी रख देता हूँ भाई। कॉपर ये फालतू का ही मिलता है, इतना कॉपर मिलता रहता है, कोई यूज़ ही नहीं है इस चीज़ का। अपन चलते अब सीधा वहीं पे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता ये कॉपर का क्या यूज़ है क्या नहीं। ओ ये अब फाइनली हमें यहाँ जाना है। गिरा, मरा, मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा, गया भाई गया। अब मेरी ऐसी तैसी मार देंगे, मार देंगे, मार देंगे, गया भाई स्केलेटन मेरी ऐसी तैसी मार देगा। नहीं यार मर ना, मर 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 मर, मार दे, मर दे, मर दे, मर दे। वो मर गया, पर मैं किससे मर गया। ओ यार वापस जाओ वहाँ पे, अब मैं जल्दी से सो के वापस वहीं जा रहा हूँ। सो फाइनली वापस मैं पहुँच गया हूँ, बहुत मुश्किल से भाई पहुँचा यहाँ पे, बहुत ज़रूरी थी। अब पहले अपन चलेंगे ऊपर का रास्ता बनाएंगे, बिकॉज ऊपर का रास्ता बनेगा तभी ऊपर जा पाएंगे। तो अपन कोबल स्टोन यहाँ लगाते हैं ताकि हम यहाँ से क्लाइम कर पाएँ, यहाँ से यहाँ फिर ऊपर चलेंगे। अरे यार ये हटाओ ना, पिकेक्स कहाँ है मेरी भाई, मेरी पिकेक्स भी गायब होगी, बताओ वैसे बताओ। ये इतना दुख मेरे साथ क्यों है, मेरे साथ इतना दुख क्यों है मुझे ये बता दो गाइस। ना परेशानी ना, मेरा आयरन फार्म चलता ना तो मैं अभी सब आयरन के सूट पहन के यहाँ पे आता, साला किसी की हिम्मत नहीं होती स्केलेटन की मुझे मारने की, एक ही रैप्ट में ख़त्म थे ये सब। चलो अपन थोड़ा माइन वाइन करेंगे, हम यहाँ से लूट वूट लेंगे, कोल इकट्ठा कर लेते बिकॉज आयरन तो ले रहे, अब उसको पिघलाने के लिए कोल तो चाहिए ही भाई, फर्नेस में डालेंगे कोल। और ये क्या भाई, एक गलती और मैं नीचे गिरा, मैं बहुत सारी टॉर्च लगाने वाला हूँ जितनी मेरे पास है, बिकॉज मुझे कोई रिस्क लेना नहीं इतना, बिकॉज मॉब स्पॉन हुआ ना मेरी ऐसी तैसी कर देते हैं ये। अभी देखा ना गाइस तुमने मुझे मार दिया, मैं वापस आया, अभी ये भी ले लेता हूँ, सब ले लूँगा, सब टेंशन की बात ही नहीं है इतना सब भाई। मुझे कुछ समझ नहीं आता ये कॉपर का क्या सीन है, वरना आज के डेट में ना कॉपर किसी से ट्रेड भी नहीं कर सकता, अभी मेरे पे मेरे घर में ही इतना कॉपर पड़ा हुआ, पूछो मत। अभी ये थोड़ा कोल ले लेता, कोल तो इम्पोर्टेंट भी है, कोल का बहुत यूज़ है टॉर्च बनाने में, ये सब चीज़ें बनाने में कोल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कोल लेना तो इम्पोर्टेंट था ही, सारा कोल ले लेंगे टेंशन की बात ही नहीं है। और इनसे एक्सपी भी मिलते, बताओ एक्सपी से एटलीस्ट हम वो भी कर सकते हैं, हमारे पास जो एनचेंटेड एनचेंटेड जो थी ना तो वो भी कर लेंगे, सारा कोल ले लेंगे टेंशन की बात ही नहीं है अपने को।
कोल तो ले लिया सारा, मस्त मस्त कोल ले लिया। अभी चलते हैं ऊपर, अगर थोड़ा बहुत आयरन और मिल जाता ना, एक दो स्टैक आयरन और मिल जाए भाई, मस्त सिस्टम हो जाएगा, वरना हम ना हमारा आयरन फार्म चलता। उसमें इतनी मेहनत करके बनाओ, ऊपर से कुछ काम भी नहीं गया वो। गाइस तुम लोगों को बताएं तो ज़रूर बताना वो आयरन फार्म क्यों नहीं चला, ठीक है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। ओके लो, अब थोड़ी टॉर्च लगा दें यहाँ पे, देखते हैं और क्या मिल सकता है यहाँ पे। यहाँ तो कुछ नहीं है अब। ओ यार अब और नीचे, ये क्या सिस्टम है? आ मिल गया, मिल गया आयरन, मिल गया आयरन, मिल गया। जल्दी जल्दी टॉर्च लगाते हैं भाई, रिस्क नहीं लेना अपने को। जल्दी जल्दी लेता आयरन वगैरह, बहुत ज़रूरत है भाई। फाइनली आयरन तो ले लिया अपने। भाई साहब कितना अंधेरा है यहाँ पे। हो ए यार, यहाँ पे हम, मैं स्केलेटन वाले से परेशान हूँ बस, इनसे तो मैं ऐसे ही मार देता हूँ इन्हें। ये तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही ऐसे मज़े में मार देता हूँ इनके तो। ये जल्दी आयरन और लेता हूँ, फिर सिस्टम सिस्टम वाई। और कोई इतना बस एक 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 आयरन और का ब्लॉक। अरे यार इसमें इतनी कंजूसी कर रहे हैं ये तो, मतलब कोपर में तो मेरा सिस्टम हिला देंगे। ये क्या है, मैं कहाँ गिरूँगा ये? ओ भाई साहब, ओ केव है भाई ये, बहुत बड़ी केव है, बहुत बड़ी। ना मेरे पे टॉर्च भी नहीं है, ना मेरे पे पिकैक्स वगैरह भी नहीं है, क्या किया जाए मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। साढ़े चंगादड़ मैं ही मारूँगा देखे, ये कॉल ले लेता हूँ। तो सोच रहा हूँ मैं क्या किया जाए, क्योंकि भाई मुझे बहुत सारा ज़रूरत है। को टॉर्च होती और कैक्स होती तो मैं आगे जलूर चलूँ नहीं ज़रूर चले जाता, पर किया क्या जाए मैं ये सोच रहा हूँ। मैं घर से पिकैक्स और आयरन और लेके वो टॉर्च लेके आऊँ, यही करना पड़ेगा लगता है, वरना यहाँ पे कोई काम धंधा तो है नहीं अपने पास। अब विदाउट आयरन और हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ये देखो इतना सारा ऊपर कुछ काम का नहीं है, बस ऐसे ही एक आयरन कोपर कोपर कलेक्ट कर लेता, बिकॉज ठीक है यार कुछ है हो या ना हो अपने पास यही है, इससे कुछ घर ही बना लेंगे अपन। इतना सारा तो महंगा सा बन जाएगा घर, और या अपन ने अभी लकड़ी का बना रखा वैसा बनाएंगे अपना महंगा सा घर। ठीक है तो क्या किया जाए, यहाँ पे इतनी सारी आवाज़ें क्यों है भाई, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लेके ही आता हूँ, ठीक है, कोपर और टॉर्च और वो क्या कहते हैं पिकैक्स घर से। इतनी ज़्यादा लूट करने के बाद गया गया, ऐसी तैसी मार दिए गाइस, ए भगवान मेरे साथ। चलो इससे हमारा एक फ़ायदा तो हो गया, चलो मैं टॉर्च और अपनी पिकैक्स वगैरह भी ले आया, और अब थोड़ी ईजीली माइनिंग कर सकते हैं अपन थोड़ा सेफली। थोड़ी बहुत ज़्यादा टॉर्च ले आऊँगा मैं, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। ये देखो इतना सारा आयरन ले आए, घर लेके जाएंगे अपन तो यार, ये सारा आयरन वगैरह बहुत ज़रूरत भी है इस आयरन की, घर लेके चलेंगे अपन सीधा सारा आयरन वगैरह। अरे वाह भाई वाह, क्या भाई मस्त मस्त सिस्टम, आयरन आयरन तभी तो मज़ा आएगा यार, आयरन के बिना ज़िंदगी ना है यहाँ पे, कोपर का कोई काम नहीं। आयरन यार मुझे अभी तक डायमंड नहीं मिला, पर एक डायमंड का ब्लॉक भी नहीं मिला, मैंने इतना सब माइन किया ये सब, मुझे अभी तक आयरन मिला है बस, और गोल्ड भी नहीं मिला मुझे यार, इतना दुख लग रहा है, मेरी किस्मत ख़राब है। मैं ये आयरन और कोल और कॉपर लेके ज़िंदगी काटूँगा ना, मुझे कोई महंगी चीज़ मिलती, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है यहाँ पे, कॉपर ही कॉपर मिल रहा है। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत आयरन भी मिल गया, हाँ मैं मना नहीं कर रहा, पर यार एटलीस्ट सही अच्छा खासा आयरन भी तो मिलना है यार, कोई फ़ायदा वायदा तो है नहीं फिर, बिकॉज बहुत ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की, फिर ऐसे कर चलेगा ही नहीं काम। अरे वाह भाई वाह, सिस्टम सिस्टम हो गया, अब क्या किया जाए, खास क्या किया जाए। ये देखो मुझे आयरन दिख रहा है बहुत सारा, अपन थोड़ी टॉर्च लगा देते हैं यहाँ पे। अरे वाह भाई वाह, यहाँ पे भी आयरन है। अरे यार ये मकड़ी की, मकड़ी आ रही है क्या,
आ तो नहीं रही। चलो जब तक ये कर लेते हैं फिर अपन आयरन और माइन कर लेते हैं, जल्दी लेते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। अबे यहीं मारूँगा आके बता दियो, यहीं मारूँगा यहीं देखे। अरे वाह भाई वाह, सब आयरन ले लिया है, अपन चलते हैं थोड़ा सेफ साइड। ये मकड़ी आएगी ना मारेगी मेरे। चलो ऊपर दो ब्लॉक हैं, सही है 38। चलो कोई ना कोई ना, अच्छा खासा हम पे आ गया आयरन, एटलीस्ट हम पे दो तीन स्टैक हो यार, वरना कुछ मज़ा नहीं है। अरे वाह ये हुई ना बात, ये हुई है बे, हैं बे शेमड़े हाड़े, निकल यहाँ से निकल भाई। एक आयरन की लाऊँगा ना तब बताइयो तू, तब आइयो तब बताऊँगा तुझे तेरी औकात बेटा, तब बताऊँगा तुम्हें तैयारी औकात। अभी आयरन मिलने तो दो, एक और आयरन का सूट और आयरन की स्वॉर्ड लेके आओ ना, तब दिखाऊँगा इनको इनके औकात। ये जो बन रहे हैं ना अभी, तब देखना बेटा। अबे मकड़ी की तो तेरी तो मकड़ी मकड़ी हट। अबे यार नहीं 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 नहीं, इतना सारा आयरन लेके मैं मरना नहीं चाहता भाई। हट हट तेरी ऐसी की तैसी, हट हट यहाँ से। अबे मार देगी मुझे, बच गया भाई बच गया। बहुत डर लगता भाई इस मकड़ी से, एक तो कहीं पे भी चढ़ जाती है, बहुत दुख है भाई बहुत दुख। चलो भाई नली हम पहुंच गए, बहुत सारी आयरन ले तो लिया है। ओ, 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 ओ तेरी ऊंची शान है मुल्ला, गोल्ड की तो ड्रिफ्ट करा दे, ये हुई ना बात, गोल्ड ही गोल्ड हो गया हम पे, अमीर हो गए हैं गाइस हम तो, ऐसा लग रहा है अमीर हो रहे हैं। पर यार ये गोल्ड हम क्लाइम करो क्या ड्राई, नहीं यार नहीं, फिर है ना गोल्ड मिलता ही नहीं है, रहने ही देता हूँ। वो आयरन की पिकेक्स से मिलता है आई थिंक, तभी कलेक्ट होगा गोल्ड। तो क्या किया जाए, आयरन लिया जाए आयरन की, अरे वाह भाई वाह, आयरन की पिकेक्स बनाएंगे, कोई ना फिर आके कलेक्ट करेंगे। हबीबी कितने ब्लॉक हैं हबीबी गोल्ड के, चलो ठीक ही है। ओके ओके बहुत सारा गोल्ड है, चले अब कहाँ जाएं अपन। देखे जरा कुछ सिस्टम, और वाह भाई वाह ये क्या है, नीचे जाऊं क्या नीचे, और रे भाई टॉर्च लगाओ पहले तो, मॉब स्पॉन ना आए बस। चल सकते अपन नीचे, जा सकते हैं, जाएं क्या, खाना खा लेता हूँ यार वैसे हेल्थ भी कम है मेरी, चले जाएं क्या, मैं तो सोच रहा हूँ चलते हैं। अपन डरने वाली क्या बात है यार, योगा देखा जाएगा। अरे वाह अरे वाह भाई वाह, इतना सारा आयरन अपन, ये आयरन, ओ ये क्या है ब्लू ब्लू सा, कुछ देखा आपको गाइस, ये ब्लू ब्लू सा, मैं चलिए टॉर्च लगा के वापस चलते हैं अपन। ओ है गोल्ड है क्या है भाई, गोल्ड है क्या, अरे वाह भाई वाह, ये तो कुछ अलग चीज़ है, वाह भाई ये क्या है ये, ओ भाई नीला नीला सा पानी है, के पानी ब्लॉक्स में है, ओए ये क्या सिस्टम है भाई, लैपिस लजूली नाम है इस चीज़ का। आजा तेरी कमी थी आज आज दिल में छोड़े, तेरे रोटन फ्लैश लेके आया मुझे मारने के लिए साले, कल ऐसे यहीं दे के मारूँगा, गाजर खाता हूँ मैं, गाजर गाजर खा के शक्ति आती है, गाजर खाओ गाजर। जल्दी जल्दी ये सारा कलेक्ट करते हैं फिर अपन चलेंगे सीधा घर, जल्दी जल्दी कलेक्ट कर लेते हैं फिर अपन सीधा घर चलेंगे, ना इधर देखेंगे ना उधर, बिकॉज ज़्यादा गाइस ज़्यादा लालच करना है ना बुरी बला होती है, ऐसा मैंने सुना है और ऐसा होता भी है, तो गाइस लालच नहीं करना चाहिए ठीक है, मेरी तरह लालची मत बनो ठीक है। अपन सीधा चलेंगे अब घर, घर पे ही जाके। अब ये गोल्ड काश में आयरन स्पोर्ड होती मेरे पास, पिकैक्स सब मैं ले लेता, एक ब्लॉक और बचा है तो वो भी ले लेते, अरे एक और ब्लॉक है क्या, ये भी ले लेते, कुछ नहीं गाइस छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब चलो ज़्यादा लालच मत करो और छोड़ो भी मत आयरन इतना,
अपन सीधा चलेंगे घर। ओके अब चलो, अब मैं एक सेकंड दो सेकंड में टेलीपोर्ट मार जाऊंगा घर। एक दो चुटकी बजाओ। चलो फाइनली आ गए हैं हम घर। इतनी खुशी, सही में भाई बहुत खुशी हो रही है कि हाँ भाई फाइनली गोल्ड वोल्ड लेके घर पे सही सलामत आ गया। अब तो अमीर हो जाएंगे हम गाइस, बहुत अमीर होने वाले हैं बिकॉज हम बहुत सारा गोल्ड लेके आए हैं। ये देखो एक स्टैक आयरन इंगोट बनेंगे। ये लो भाई इसमें भी डाल देते हैं कॉपर इंगोट। वैसे तो मुझे यूज़ नहीं है इन चीज़ों का, पर कोई ना कर लेते हैं यार। और ये देखो हम लैपिस लजूली भी लाए। लैपिस लजूली कौन सी जूली? लैपिस लजूली, खुशी तो है भाई। चलो सब इसी में रखते हैं। और हाँ, अरे हाँ वहाँ से भी तो आयरन लाना पड़ेगा हमें, जो हमने चेस्ट में रखा है वो भी लेके आता हूँ। रुको गाइस, बहुत पैसा, इतनी खुशी, इतना सारा आयरन। ये देखो इसमें इतना सारा कॉपर इंगोट पड़ा है। अरे वाह भाई वाह, इतनी खुशी भाई, 24 आयरन इंगोट्स। इतनी खुशी हो रही है ना गाइस, सच बोल रहा हूँ। इतनी मेहनत से जो मैं लेके आया था ये सारा वर्थ इट है। अपन इनसे चीज़ें बनाने वाला बहुत सारी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं अपने पास कितना आयरन पड़ा था। 24 इंगोट थे सिर्फ। अब हम पे इतना इंगोट है ना आयरन का, पूछो मत। 48 इंगोट्स और अभी भी और 64 आने वाले हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें बनाने वाले हैं। चलो अपन चलते हैं क्राफ्टिंग टेबल पे और देखते हैं क्या बना सकते हैं हम, दिखाओ हमें। अरे वाह भाई वाह, एक हेलमेट, एक चेस्ट और एक लैक्स। वाह भाई वाह, स्वॉर्ड, पिकैक्स, ओहो वाह भाई वाह। ये हुई ना बात। ए यार हम बिल्कुल मस्त जिंदगी जी रहे हैं गाइस, सच बोल रहा हूँ। हाँ पर थोड़े गरीब भी हो जाएंगे अब, थोड़ा आयरन इंगोट नहीं है बचेगा हम पे, पर कोई ना गाइस हम कलेक्ट कर लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। देखो इसमें हमारे पास क्या क्या पड़ा है। अब गोल्ड के ही पड़े थे जो हमें बहुत सारी चीज़ों से मिले थे या हमने मतलब चुराए लिए थे कहीं ना कहीं से, तो उन सब चीज़ों के साथ हम रखेंगे अपनी मेहनत से। आयरन इंगोट से जो बनाया है वो डालते हैं इसमें। कहाँ गया ये एरा? वाह भाई वाह, ये हुई बात। आर्मर है हमारा फुल। और यार इतनी खुशी होती है ना जब अपनी मेहनत से लेके आओ बाहर करके, बहुत खुशी हो रही है गाइस, समझ में। अब बस जैसे भी करके ना इन सबको ना इंचेंट करना है, बिकॉज मैंने देखा था इंचेंटिंग करने से बहुत सही रहता है। अब वो इंचेंटिंग करना आ जाए बस। ओहो वाह भाई वाह, 9 इंगोट्स बने हैं, इसमें डाल देते हैं। अब ये बनता रहेगा, अपना फ्यूल भी फुल कर देते हैं इसमें। 48 अपना कॉपर के इंगोट्स इतने सारे पड़े हैं, तो इसका क्या किया जाए मैं ये सोच रहा हूँ। कॉपर इतना सारा पड़ा है ना, तो एक काम करते हैं, 64 64 64 के चार स्टैक पड़े अपने पास कॉपर के। देखते हैं कुछ ना कुछ करूँगा ये, पर अभी क्या किया जाए। इसमें तो इंगोट पड़े हैं अपने आयरन के, इसमें भी बहुत सारा कॉपर पड़ा हुआ है, उसे बनने देते हैं। एक काम करते हैं अपन चलते हैं एक बार आयरन फार्म को देख के आते हैं, फिर अपन चलेंगे वीडियो को करेंगे। एंड नेक्स्ट एपिसोड में आई थिंक मैं कुछ करने वाला हूँ, फिर से माइनिंग करूँगा, गोल्ड की माइनिंग करूँगा, बिकॉज आयरन और तो अपने पास अच्छा खासा हो गया। आयरन के आर्मर वगैरह लेके जाऊँगा, गोल्ड माइनिंग करूँगा ताकि हम पे गोल्ड के भी सूट्स आ जाए, जैसे जो हम मेहनत करके अच्छा खासा स्टैक रखे अपने पास। इसमें देखते हैं आयरन वायरन बना। अरे यार इसमें बन ही नहीं रहा यार, क्या है ये प्रॉब्लम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसमें आयरन इंगोट आई क्यों नहीं रही? आयरन गोलम बनेंगे तभी उनसे बनेगा ये, वैसे बने ना, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया अपन चलते हैं वीडियो को करते हैं ख़त्म, थोड़ा आउटर वाउटर कर देते हैं। इफ़ यू इंजॉय द वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक देना, अगर नहीं ठोका मैं आपको आके ठोक दूंगा। तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक डिट, इफ़ यू लाइक डिट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। सायनारा पायनारा कायनारा।